गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु किताब से पढ़ाने जा रही हूँ और आज पढ़ाऊँगी पाठ 11। वैसे मैं पाठ 11 पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ और फिर से इसका पुनरावृत्ति कर रही हूँ। अब आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन, जो कि 23 नवंबर से शुरू होगा और इसके लिए आप लोगों को स्कूल में जाकर के ऑफिस से आंसर शीट लेना है और आंसर शीट आप अपने माता पिता को बोलेंगे जाकर के। स्कूल में 2 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 18 तारीख तक आप लोगों को कॉपी स्कूल से दिया जाएगा और ये कॉपी आपको मिलेगा सुदना ऑफिस में। जिन बच्चे को वहाँ जाने में असुविधा हो और वो अगर बैरिया जाने में उन्हें सुविधा है तो वो बैरिया में भी जा कर के ले सकते हैं बैरिया ऑफिस में। 18 तारीख तक ये कॉपी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अक्टूबर माह तक का फीस, ट्यूशन फी सिर्फ वो देना पड़ेगा। ट्यूशन फी पेड करके आप कॉपी ले सकते हैं। तो आप अपने माता पिता को ये बात बताएंगे कि स्कूल में कॉपी मिल रहा है और ये 18 तारीख तक मिलेगा, ऑफिस में जा कर के कॉपी ले लेना है और अक्टूबर माह तक का फीस भी पेड करना है। ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, सभी बच्चे को एग्ज़ाम देना अति आवश्यक है। एग्ज़ाम आपका 40 नंबर का होगा और इसमें आपको कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और कुछ अति, कुछ लघु और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हिंदी का सिलेबस मैं कल आप लोगों को व्हाट्सएप पर दे चुकी हूँ। भाषा सेतु में आप लोगों को पाठ 10, पाठ 11 और पाठ 12 पढ़ना है। भाषा सेतु में आप लोगों को पाठ 10, 11 और 12 पढ़ना है और हिंदी व्याकरण में आप लोग वर्ण, संज्ञा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और निबंध के बारे में मैं बताई हूँ, लिखवाई भी हूँ आप लोगों को, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लेंगे। ये तो था आपको एग्ज़ाम के बारे में, आपकी परीक्षा के बारे में आपकी जानकारी। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 11, जिसे मैं पूर्व पढ़ा चुकी हूँ और फिर से इसका पुनरावृत्ति कर रही हूँ। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इसको समझने का प्रयास करें। इसमें से प्रश्न आप लोगों को आएंगे, ये पाठ आप लोगों को पढ़ना है। इसके पहले का पाठ है पाठ 10 में रहीम के दोहे और रहीम के दोहे को भी, जिसमें नीति वचन है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका अर्थ भी आप लोगों को बताई हूँ, प्रश्न उत्तर भी लिख करके दी हूँ। इसमें से ऐसा हो सकता है कि दोहे में से कोई एक दोहा यानी 2 लाइन आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसका भावार्थ आप लिखें। तो भावार्थ लिखने के लिए भी मैं बताई हूँ और फिर से मैं आप लोगों को लिख करके भेज दूँगी व्हाट्सएप पर, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी परीक्षा के लिए ना हो। भावार्थ लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में 2 लाइन कि प्रस्तुत दोहे की पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा सेतु के नीति वचन से ली गई है। दोहे की इस पंक्ति में रहीम कवि कहना चाह रहे हैं, यह उनका कहना है कि उसके बाद जो भी दोहा आपको दिया रहेगा उसका अर्थ आपको लिखना है, यही होता है भावार्थ। इसे मैं आपको व्हाट्सएप पर लिख करके दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अभी मैं पढ़ा रही हूँ अर्जुन का मोह भंग। इसे आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फिर से आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें।
ताकि आपको अगर कोई भी प्रश्न इससे आए एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पाठ है बच्चों महाभारत की कहानी से संबंधित। आपको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था और ये युद्ध कौरव और पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसके बीच हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच साथ। कौरव और पांडव दो सेनाएं थी जिनके बीच ये महाभारत का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे जिसके सबसे बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन, और पांडव पक्ष में पांडु के 5 पुत्र थे जिनके 5 पुत्र का नाम है युधिष्ठिर सबसे बड़े वाले का, उसके बाद वाले पुत्र का नाम था भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद सहदेव, फिर नकुल। इस तरह से 5 भाई पांडव थे और इन दोनों के साथ बहुत सारे महारथी महाबाहुबली लोग भी थे, कुछ कौरव पक्ष में और कुछ पांडव पक्ष में। पांडव पक्ष में अर्जुन के रथ के सारथी बने थे भगवान स्वयं श्री कृष्ण। सारथी कहते हैं रथ हांकने वाले को, और अर्जुन के रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। इन दोनों के युद्ध का कारण था आपसी मतभेद। दुर्योधन जो थे कौरव पक्ष के, वो इन पांडवों को इनका हक नहीं देना चाहते थे। इनका आधा राज्य होता हस्तिनापुर का, आधा राज्य क्या वो इनको पांचों भाई के नाम से 5 गांव तक देने से इनकार कर गए, और वो अंत में यही बोले कि मैं 5 गांव क्या एक सुई के नोक के बराबर भी इन्हें जमीन नहीं दे सकता हूँ। तो 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे छल प्रपंच इन लोगों के साथ किए। सारी कहानी आप लोगों को पता है कि इन लोगों को मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया था, यानी लाख का घर बनवाया था, और छल से उसमें आग लगा दिया था। और ये बात तो चूँकि इन लोगों को पता पहले चल गया और ये लोग अपने सुरक्षित वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें इन लोगों को परास्त करने के लिए, पराजित करने के लिए दुर्योधन ने हमेशा छल का साथ लिया और ये लोग बचते रहे, और अंत में इन लोगों के साथ महाभारत का युद्ध होता है। जब युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी रहती है कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने, तो अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलें ताकि मैं देखूं कि मुझे किनके किनके साथ युद्ध करना है। तो कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को ले जाते हैं, और जो वहां का दृश्य अर्जुन देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है, क्योंकि सामने के पक्ष में यानी कौरव पक्ष में जितने लोग खड़े थे वो उसमें उनके पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, मामा शल्य थे, बहुत सारे अपने सगे संबंधी थे, भाई भतीजे लोग थे, और यह देख करके उनका मन द्रवित हो जाता है। और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं एक राज्य के लिए, एक गांव के लिए मैं अपने संबंधियों का वध नहीं करूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तब कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन तुम्हें ये मोह कैसे पैदा हो गया, वीर लोग युद्ध भूमि में इस तरह की बातें नहीं करते हैं, ये वीरों का धर्म नहीं है, फिर तो तुम कायर कहलाओगे और आने वाली पीढ़ी भविष्य में तुम्हें कायर कहेगी। बहुत सारी बातें उन्हें समझाते हैं और कहते हैं तुम अर्जुन इस तरह की बात ना करो, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं समझते हैं, और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मैं जंगल में जाकर के रहूँगा और वहाँ सन्यासी बन के रहूँगा।
फिर उन्हें कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, तुम सन्यासी का अर्थ नहीं जानते हो। सन्यासी का अर्थ सिर्फ जंगल में जाकर के रहना और ईश्वर का ध्यान करना नहीं होता। सन्यासी भी अपने कर्म को करते हैं। सन्यासी भी वही बनेगा जो अपने कर्म का निर्वाह करेगा। बहुत बात समझाने के बाद भी जब अर्जुन नहीं समझते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें दिव्य ज्ञान देते हैं और उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु दे करके कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो तो तुम देखो, ये पूर्व से मर चुके हैं। तुम सिर्फ इसके निमित्त मात्र बनोगे मारने वाले। ये तुम्हारे हाथों सिर्फ मरेंगे लेकिन इनकी मृत्यु पूर्व से हो चुकी है। अगर तुम देखना चाहते हो तो देखो, ये जितने युद्ध भूमि में लोग खड़े हैं ये सारे के सारे मरे हुए हैं। सिर्फ तुम एक माध्यम बनोगे इन्हें मारने का। और उस समय श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान कर उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। और जब अर्जुन उनके विराट रूप को देखता है तो वो भयभीत हो जाता है। उसमें श्री कृष्ण के विशाल रूप को देख करके वो अचंभित हो जाता है, जिसमें सारी पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सारे कुछ उन्हें दिखाई देते हैं और जितने भी वहाँ खड़े हैं वो सारे मरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे पृथ्वी सृष्टि का जो अंश है वो इनके मुंह में समाते जा रहा है। और अर्जुन भयभीत होकर के कहता है कि हे कृष्ण, तुम अपने इस रूप को समेट लो, अब मुझे भय लग रहा है, मैं इस रूप को अब नहीं देख सकता हूँ। आप अपने इस रूप को समेटें भगवान, आप इस रूप को समेटें और मुझे अपने उस दिव्य रूप को दिखाएं, उस चक्रधारी रूप को दिखाएं, सुदर्शन वाले रूप को दिखाएं जिसे देखना मैं चाहता हूँ। तब कृष्ण उन्हें अपने चक्र और गदा वाले रूप को दिखाते हैं और अपने साक्षात भगवान स्वरूप को दिखा करके उनके रूप को, उनके अपने असली रूप का दर्शन कराते हैं। और इस प्रकार अर्जुन का मोह भंग होता है और वो कहता है कि प्रभु, अब मेरा मोह भंग हो चुका है और मैं अब युद्ध करूँगा। और इस प्रकार बच्चों, अर्जुन का मोह भंग होता है और युद्ध भूमि में वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कहानी थी अर्जुन का मोह भंग, जिसे मैं अभी आप लोगों को बताई। और आप लोग इस किताब को पेज नंबर 67 निकालेंगे भाषा सेतु का और उसे आप लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है और जब इसे आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके बाद इसका सही विकल्प चुनें, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों का उत्तर आप लोग कॉपी में लिखे हैं उसे देखेंगे और याद करेंगे।